जगह है जहां पर अभी भी स्टीमर या नौकाएं नहीं चल सकती है। एयर ड्रॉपिंग भी आज से शुरू करवा दी गई है। प्रत्येक पीड़ित तक राहत सामग्री पहुंचाना और प्रत्येक प्रभावित परिवारों के लिए जो भी शासन की अनुमन्य सहायता है वह उन तक पहुंचाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को सभी जगह जितने भी 20 के 20 जनपदों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन सभी जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ साथ वहां पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, ये सब भी उपलब्ध हो सके इसके बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पशुओं के चारे की व्यवस्था भी पशुधन अधिकारी के द्वारा जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में इस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर हर जनपद में करा दिया जाए। क्षतिग्रस्त मकानों के बारे में भी मुआवजा देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर करने के लिए कह दिया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही होगी तो उसके साथ तत्काल जवाबदेही तय करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी पीड़ित का कच्चा या पक्का घर टूटता है तो पीड़ित को मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको घर मिले। उन्होंने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। देखिए अभी तत्काल रूप से हम लोग इन पीड़ितों को अधिकाधिक राहत सामग्री देने जा रहे हैं जिससे कोई भी पीड़ित राहत से वंचित न होने पाए। हम लोग इसके लिए व्यवस्था करेंगे कि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान। फिलहाल दोनों जिलों में सीएम के इस दौरे से बाढ़ पीड़ितों को मदद की एक